Okay, Gina, now let's talk about the keyboards, the most basic, most common type of input devices that we use today. It is the keyboard, obviously. अच्छा, आप कीबोर्ड में बेसिकली आपके सामने जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसको मैकेनिकल कीबोर्ड कहते हैं, बिकॉज इसके जो बटन्स हैं वो बकायदा फिजिकल मोशन होता है, दे मूव डाउन एंड अप. एंड यू कैन, एज यू कैन सी हियर, इस मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं कि ये पीसीबी एक चीज लगी होती है. इसको एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लिखा हुआ, लेकिन इट्स कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ये मिसस्पेलिंग है यहाँ पे, इट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. अच्छा, अब इसमें जरा इसकी वर्किंग समझे क्या है. एज अ यूजर जो है, आप इसकी आपका एक्सेस इस जगह पे है, आप की प्रेस करते हैं, वो की प्रेस जो है वो नीचे जाके स्विच पे हिट करती है और किसी सर्किट को क्लोज करती है. वट एवर बटन यू प्रेस, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पीसीबी बिलो एंड इट क्लोजेज अ सर्किट. ठीक है ना? और जब आपका सर्किट क्लोज हुआ होगा तो आपके कंप्यूटर का जो ऑन बोर्ड एक यहाँ पर सीपीयू भी लगा होता है, जो कि कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट कर रहा होता है, कि चेक कर रहा होता है कि कौन सा सर्किट जो है क्लोज हुआ है. और एक रॉम भी लगा होता है जिसके अंदर हर सर्किट क्लोज का मीनिंग पड़ा होता है. सो अगर आपने ए प्रेस किया है तो रॉम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, लेटर ए हैज बीन प्रेस्ड, लेटर बी हैज बीन प्रेस्ड, व्हाटएवर. ठीक है? सो अब ये दोनों ऑनबोर्ड हार्डवेयर जो है, रॉम और सीपीयू जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, दे आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग विच सर्किट हैज बीन क्लोज्ड. जो सर्किट आपने क्लोज किया वो क्लोज कैसे किया होगा, कि आपने बटन प्रेस किया है, बटन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस स्विच, द स्विच इज प्रेस डाउन एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस पीसीबी राइट हियर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. वो सर्किट क्लोज होगा और इस तरीके से मेरे ऑनबोर्ड जो प्रोसेसर है और रॉम है, उनको पता चल जाएगा आपने बटन कौन सा प्रेस किया है. अकॉर्डिंगली फिर वही सिग्नल आपके कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि इस ये बटन प्रेस हुआ, ए प्रेस हुआ, बी प्रेस हुआ. और इसी तरीके से आपके स्क्रीन पे भी, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके सामने ए बी सी इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होगा. ठीक है? सो एवरी कैरेक्टर यू प्रेस, ए बी सी जो भी आप लेटर प्रेस करोगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन ASCII में होती है. हमने यूनिट वन में चीज कवर की हुई है. ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. सो बेसिकली होता क्या है कि आपके हर बटन प्रेस के अगेंस्ट एक डीनरी वैल्यू, यानी रिप्रेजेंटेशन उसकी डीनरी वैल्यू से है. वो डीनरी वैल्यू जो है वो ASCII कोड है. वो डीनरी वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आप नहीं, आपका कंप्यूटर करता है, तो कंप्यूटर को देयरफॉर समझ आता है कि आपने बटन कौन सा प्रेस किया है. सो ये आपके जितने भी कीबोर्ड्स हैं वो इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं. ठीक है? अच्छा जी, सो दिस इज योर कीबोर्ड वर्किंग. एक और बड़ा कॉमन किस्म का इनपुट डिवाइस है, वो आपका होता है पॉइंटिंग डिवाइस, विच इज द माउस. ठीक है? नाउ मे बी यू हैव सीन सम ओल्ड माउस विच हैव अ रोलर बॉल लाइक दिस. ठीक है? इसके ऊपर की बॉडी उतरी हुई है, लेकिन फंडामेंटली उसके ऊपर एक केसिंग लगी होती है और अंदर जाके ये रबर बॉल लगी होती है, काफी हैवी सी होती है ये. अच्छा, बेसिकली अगर आपने स्क्रीन पे किसी चीज को अपने इस कर्सर, जैसे मैं इस कर्सर को ऑपरेट कर रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीन में किसी एलिमेंट को अपने कर्सर से सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मोस्ट प्रॉबली कोई माउस टाइप चीज होगी जिसकी बेस पे आप वो कर रहे हैं. अच्छा, अब आप उसको अपना माउस, यानी कर्सर को मूव करके, आपके ऊपर माउस के ऊपर बटन्स भी लगे होते हैं डिफरेंट, जिसको आप क्लिक करके, शॉर्टकट बटन है, क्लिक बटन है, जो भी है, डबल क्लिक करें, व्हाटएवर इट इज. ठीक है? स्क्रॉल अप एंड डाउन का भी बटन होता है, इस तरह वाला ये स्क्रॉल का बटन होता है, तो आप उनको यूज करके अपने सिलेक्शंस कर सकते हैं. ठीक है? सो फंडामेंटली सारे माउस जो है ना वो इसी ऑपरेट प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, कि यू मूव इट अराउंड, सिलेक्ट एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन एंड यू यूज योर बटन्स टू मेक सिलेक्शंस. ठीक है? लेकिन जो ओवर द इयर्स चेंजेस आई है ना, वो इस मैकेनिज्म में आई है कि आपका माउस जो है वो मोशन डिटेक्ट कैसे करता है. ना हमारे पास जो ओरिजिनल माउस थे वो, यानी जो अर्लीस्ट टेक्नोलॉजीज थी, वो इस तरह के रोलर बॉल टेक्नोलॉजीज थी. अभी रोलर बॉल क्या करता था कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पे दो सेंसर्स लगे हुए हैं, ये दो व्हील्स लगे हुए हैं. ठीक है? एक ये व्हील लगा हुआ है और एक ये व्हील लगा हुआ है. ठीक है? टू व्हील्स, एक ये व्हील लगा हुआ है और एक ये व्हील लगा हुआ है. सो अगर आपके पास, आप माउस को ऊपर मूव करेंगे तो ये व्हील रोटेट करेगा, और अगर आप माउस को लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ये वाला व्हील रोटेट करेगा. ठीक है ना? सो इस तरीके से आपका बॉल की रोटेशन से एक्स एंड वाई की डायरेक्शंस की आप नेगोशिएशन कर ले, आपका कंप्यूटर जो है वो उसकी उसको समझ आ जाती है. ठीक है? सो इफ यू आर मूविंग द माउस, द बॉल मूव्स विद द माउस, एंड इफ द बॉल मूव्स, दीज व्हील्स मूव, एंड इफ द व्हील मूव्स,
आपकी एक्स और वाई की जो डायरेक्शन है वो इनकी व्हील, इफ दिस वन इज मूविंग इट मीन्स यू मूव लेफ्ट एंड राइट, इफ दिस वन इज मूविंग इट मीन्स यू मूव अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें ये बॉल की बेस पे आप माउस की जो मूवमेंट्स हैं वो इन व्हील्स को हम हिला के ये रिप्रेजेंट करते थे। फिर तो उसके बाद जब लेटर टेक्नोलॉजीज में, दिस वाज एक्चुअली यू नो स्लो टेक्नोलॉजी, दूसरी बात है इसमें एरर्स बहुत आते थे, इसके अंदर डस्ट चली जाती थी, ये बड़े मसले थे इसके। लेटर टेक्नोलॉजी में फास्टर मोर एक्यूरेट माउस आए थे जिसमें वो ऑप्टिकल जो ना वो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। अब ये ऑप्टिकल माउस क्या होता था कि इसके अंदर जो नीचे ये रेड किस्म की लाइट जो है ना वो इमिट कर रहा होता है, ठीक है ना। अगेन ये रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब जिस सरफेस पे आपने माउस रखा होगा वहां उस सरफेस पे नीचे जब लाइट हिट करेगी इट विल रिफ्लेक्ट बैक अपवर्ड्स, ठीक है। और वो जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो वो इस फोटो सेल लाइट डिटेक्टर पे आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्शंस हैं ये बेसिकली कंपेयर की जाती हैं वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्शन बिफोर, यानी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ली जाएंगी। अब सोचें इन अ सेंस समझे कि सक्सेसिव इमेजेस ली जा रही है, हर इमेज को पिछली इमेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है और उसकी बेस पे डिटरमिन किया जा रहा है कि आपका माउस कहाँ मूव कर रहा है। सो इफ माई माउस मूव्ड अपवर्ड्स तो जो सक्सेसिव इमेजेस हैं उसमें बाद वाली इमेज पिछली इमेज से थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक है। इससे मुझे मेरे ऑन बोर्ड जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको पता चल जाएगा द माउस हैज मूव्ड अपवर्ड, ठीक है। और वो जब अपवर्ड का उसको समझ आ जाती है तो वो कर्सर भी उस हिसाब से मूव कर देता है। और अगर राइट वर्ड है तो राइट डायरेक्शन में, तो सक्सेसिव इमेजेस में ये शो हो रहा होगा कि मेरी नई इमेजेस जो है वो पिछली इमेज से थोड़ी राइट पे आ रही है, दैट मीन्स कि माई माउस इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट, और इस हिसाब से मेरा कर्सर भी थोड़ा राइट को मूव कर रहा होगा, ठीक है। सो इसमें आपकी सक्सेसिव जो इमेजेस है ना वो इस तरीके से आपकी मैनेज हो जाती है। अच्छा, अगेन ये ऑप्टिकल माउस जो है अगर आपके नीचे कोई बिल्कुल क्लियर ग्लास सर्फेस है उस पर काम नहीं करेगा, बिकॉज क्लियर ग्लास पे रिफ्लेक्शन नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाकी क्लिकिंग का मैकेनिज्म इसका इसकी तरह ही है, बटन स्विचेज हैं, यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन, यू कैन सिलेक्ट इट थ्रू योर बटन, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इट्स मच फास्टर, इट्स मच लाइट वेट, मच मोर रिलायबल, ठीक है। और ये स्मूदर था, इसमें स्पीड भी बेहतर हो गई थी, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में इनकी फिर ये इन्होंने वायर भी खत्म कर दी थी, ये वायरलेस माउस बनने लग गए थे, ठीक है। तो इससे आपकी और ज्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती थी, यू नॉट लिंकिंग, यू नॉट हैव अ वायर कनेक्टिंग टू इट, मच मोर इजी टू यूज सेटअप, ठीक है। फिर एक ये वेरिएशन है जिसको ट्रैक बॉल कहते हैं, ठीक है। अब इस ट्रैक बॉल का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर आपके पास आपके डेस्कटॉप्स में इतने मूवमेंट की जगह नहीं है कि आपका माउस को मूवमेंट की जगह नहीं है, आपके पास वेरी टाइट स्पेस है, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग द माउस माउस यू कैन सिंपली मूव द बॉल, ठीक है। आप यूँ समझें कि ये आपका जो ट्रैकर बॉल है ये अपसाइड डाउन रोलर बॉल माउस है, ठीक है। सो आपके इंस्टेड ऑफ मूविंग द माउस यू सिंपली मूव दीज यू नो दिस बॉल इन एनी डायरेक्शन यू वॉन्ट कर्सर टू मूव। इसके नीचे भी अंदर रोलर्स लगे हुए होंगे जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन की मूवमेंट डिटेक्ट कर रहे होंगे, तो आप इस बॉल को जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें मूव करें, और जो आपने सिलेक्शंस करनी है इन बटन्स के जरिए से कर सकते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे आपके पास जगह माउस की मूवमेंट के लिए ना हो, ठीक है, हमने बाद में देखा था ये ब्लैकबेरीज पे भी लगा रहा है और कुछ लैपटॉप्स हैं कॉम्पैक्ट के उनमें भी शायद ये यूज होता है, लेकिन ब्लैकबेरीज पे इस तरह करके बीच में छोटी सी बॉल लगी होती है। अब जाहिर है ब्लैकबेरीज एक स्मार्टफोन है, छोटी सर्फेस है, तो वहाँ पे अगर आपने ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स यूज करने हैं तो उस पर ये चीज़ यूज की जाती थी, ट्रैकर बॉल। सो इट्स लाइक एन अपसाइड डाउन रोलर बॉल, अंडर इसके भी रोलर्स लगे हुए होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ मूविंग द एंटायर माउस आप सिर्फ इसको रोटेट करके अपनी ऑन स्क्रीन सिलेक्शन कर सकते हैं।